जय हिंद साथियों, नमस्कार। सैनिक समाचार इंडिया में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। साथियों, इस वर्ष सभी डिफेंस पेंशनर्स की जबान पर एक ही नाम चल रहा है, स्पर्श। स्पर्श यानी आपका पेंशन का डिजिटलाइजेशन। पेंशन का डिजिटलाइजेशन तो पहले से था, जो आपको बैंकों से पेंशन मिल रही थी वो डिजिटली तौर पर ही मिल रही थी, लेकिन अब आपका जो पेंशन डाटा है उसका भी डिजिटलाइजेशन होने जा रहा है। बैंकों से जैसे ही आपकी पेंशन का स्पर्श में माइग्रेशन होता है, आपका पूरा का पूरा डाटा स्पर्श के ऊपर आपको दिखाई देता है। अब साथियों, स्पर्श को लॉन्च तो सरकार ने कर दिया, लेकिन डिफेंस पेंशनर्स को ये नहीं बताया कि आपको स्पर्श के साथ में कैसे काम करना है, स्पर्श को डील कैसे करना है, स्पर्श में किस समय आपको कौन सा फंक्शन या कौन सा काम करना है, ताकि आपकी पेंशन का सही से स्पर्श में माइग्रेशन हो जाए और आपकी पेंशन कंटिन्यू रहे। आपको जो स्पर्श के डॉक्यूमेंट है, पीपीओ, पेंशन स्लिप, फॉर्म 16, पीडीवी डिक्लेरेशन, सब आपको समय पे मिल जाए। आपके पेंशन डाटा में कोई इनकरेक्ट डाटा हो तो कैसे आपको अपडेट करना है। अब इनके लिए साथियों, यदि किसी चैनल द्वारा, जैसे कि आपके बहुत सारे ऐसे चैनल डिफेंस के जहां पर आपके ही भाई बंधु एक्स सर्विसमैन आपको सलाह देते हैं, वो सलाह आपको अच्छी नहीं लगती, आप वहां कहते हो कि किसने इनको अथॉरिटी दी, किसने इनको बताया, तो आपको पीसीडीए आकर बताएगा नहीं। ना तो पीसीडीए ने कोई गाइडलाइन जारी की है, ना पीसीडीए ने आपके लिए कोई चैनल खोल के रखा है जहाँ पर ये सब चीज़ें आप देख पाओगे, ना ही पीसीडीए ने आपके लिए कोई यूजर हैंडबुक जारी की है जिसे डिफेंस पेंशनर्स उसको पढ़ के और ये काम कर लें। कॉमन सर्विस सेंटर और स्पर्श के सर्विस सेंटर के नाम पे जो सिविल एम्प्लॉई है वहाँ पे, उनको क्या पता कि आपकी डिफेंस पेंशन के बारे में कैसे डील करना है। तो साथियों, जो आपको आपके साथी भाई लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं, उन चीज़ों को सीख लो और स्पर्श के साथ में बने रहो, नहीं तो आप पीछे रह जाओगे। ये तो था कुछ स्पर्श के बारे में ब्रीफ। अब मैं भी आपको यहाँ पे एक बार फिर बताऊंगा, क्योंकि बार बार जो स्पर्श के बारे में कमेंट आ रहे हैं उन्हीं को लेकर मैं ब्रीफ में आपको स्पर्श की पूरी संरचना और आपको स्पर्श में माइग्रेशन के बाद कब और क्या क्या करना है वो एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ। आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देख लोगे, और जब वीडियो पूरा नहीं देखते हैं तो उसके बीच में कुछ एक स्टेप ऐसे होते हैं इम्पोर्टेंट जो छूट जाते हैं, स्किप हो जाते हैं। फिर जब हम ये काम करने के लिए जाते हैं तो उसमें समस्या आती है। स्पर्श कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं है या इतना कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं है। आप सिंपली अपने घर बैठे मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर से ये सब काम कर सकते हो, इतने आप कैपेबल हो। हाँ, कुछ एक मैं डिफेंस पेंशनर जो ओल्ड एज्ड हैं उनके बारे में कह सकता हूँ कि वो अक्षम है इन चीज़ों को करने में, कुछ शारीरिक समस्याएं हो सकती है जिनकी वजह से उनको ये काम करने में दिक्कत होती होगी, उनको मदद की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन 70% डिफेंस पेंशनर ऐसे हैं जिनको यदि कहीं पर गाइडलाइन मिल जाए तो वो घर बैठे काम आसानी से कर सकते हैं। और कई अपने डिफेंस पेंशनर ऐसे हैं जिन्होंने ऐसे काम कभी किए नहीं है, लेकिन जब ये स्पर्श आया, उनकी पेंशन का स्पर्श में माइग्रेशन हो गया, तो उन्होंने कहीं पे वीडियो देख के या कहीं किसी को पूछ के अपने घर बैठे स्पर्श का यूजर नेम पासवर्ड आने के बाद में सबसे पहले पासवर्ड चेंज कर लिया, उसके बाद उन्होंने पीडीवी डिक्लेरेशन कर लिया, उसके बाद मैनेज प्रोफाइल भी करने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पे जो नई चीज़ है तो सबको इसके बारे में वाकिफ होना तो ज़रूरी है। तो आइए, मैं स्पर्श में माइग्रेशन के बाद कब क्या करना है एक बार फिर मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। सब लगभग 36 लाख डिफेंस पेंशनर्स में से 11.5 लाख डिफेंस पेंशनर्स का स्पर्श में माइग्रेशन हो चुका है। माइग्रेशन होते ही सबसे पहले आपको माइग्रेशन का मैसेज आता है कि आपकी पेंशन का बैंक से स्पर्श में माइग्रेशन कर दिया गया है, और एक वहाँ पे माइग्रेशन आईडी
MIGS से स्टार्ट होती है या MIG से स्टार्ट होती है, और इसके पीछे जो आपका लेटेस्ट PPO या EPPO होता है उसके डिजिट रहते हैं। ये मैसेज आते ही आपको समझ लेना है कि इस महीने मुझे पेंशन बैंक की बजाय PCDA इस पर से ही मिलेगी। अब इस पर से आपकी पेंशन उस महीने आ ही जाती है। माइग्रेशन कभी भी हुआ हो आपका, लेकिन महीने की सबसे लास्ट डेट को इस पर से पेंशन आती है, और जिस महीने में आपका माइग्रेशन भी होता है उस महीने के लास्ट डेट को आपको RBI लिखा हुआ जो UTR नंबर होगा वो RBI के साथ में UTR नंबर लिखा हुआ पेंशन आपके खाते में क्रेडिट हो जाती है। अब इस वर्ष में माइग्रेशन के बाद में पेंशन आने लग गई, इसका मतलब ये नहीं है कि आप शांत बैठ जाए। आपको इस वर्ष के साथ में जितने भी स्टेप है वो कंप्लीट करने पड़ेंगे। तो जब ये माइग्रेशन का मैसेज आ जाता है, अब इसके बाद आपको 8 से 10 दिन वेट करना है। अप्रोक्स समय बता रहा हूँ मैं, 2 दिन में भी हो सकता है, 5 दिन में भी हो सकता है, 10 दिन में भी हो सकता है, और 15 दिन भी लग सकता है, और पेंशन डाटा में कोई गड़बड़ होने से महीना भी लग सकता है। माइग्रेशन के बाद आपको अपना स्पर्श का PPO नंबर चेक करते रहना है। अब स्पर्श का PPO नंबर आप कहाँ से चेक करोगे? आपको PCDA की मेन वेबसाइट पे जाना। आप गूगल में सीधा मार दो PCDA पेंशन इलाहाबाद, आपके सामने वेबसाइट ओपन होके आ जाएगी। उसमें आप माइग्रेशन स्टेटस करके जब वेबसाइट के ऊपर सर्च करोगे तो राइट साइड में लिखा आता है चेक स्टेटस, माइग्रेशन इन टू स्पर्श, उसके नीचे लिखा रहता है चेक स्टेटस, उसके ऊपर क्लिक करो। आप EPPO के जरिए, आपके बैंक अकाउंट के जरिए, और सबसे बेस्ट रहता है आप अपने आर्मी नंबर के जरिए। अब आप अपना आर्मी नंबर डालो, नीचे एंटर ऑप्शन वैल्यू डालो, सबमिट करो, वहाँ पे लिखा आता है कमिंग सून या विल बी अवेलेबल सून, इसका मतलब आपका स्पर्श का PPO नंबर जनरेट हो रहा है, जनरेट हुआ नहीं है, अंडर जनरेशन है। तो आप 2 दिन के बाद में फिर एक बार माइग्रेशन की स्थिति चेक कर लो, लगता क्या है, मोबाइल में खोला 2 मिनट में आप अपना स्थिति चेक कर सकते हो। तो जैसे ही वहाँ पे आपको आप स्थिति चेक करते करते आपको एक दिन वहाँ दिखाई देगा स्पर्श का PPO नंबर। तो हो सकता है कि जिस दिन आप स्पर्श का PPO नंबर वहाँ पे देख रहे हो उससे 1-2 दिन पहले आपके मोबाइल के ऊपर भी वो स्पर्श का PPO नंबर आ सकता है, यदि आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा तो। नहीं होगा तो आपके पास में ऑप्शन यही है कि आपको अपना स्पर्श का PPO नंबर चेक माइग्रेशन स्टेटस के जरिए ही देखना है। अब मोबाइल पर आपका स्पर्श का PPO नंबर आएगा, आपकी पेंशनर ID आएगी, आपका यूजर नाम आएगा, और आपका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड आएगा, और उसमें आपको तरीका भी बताया रहेगा कि आपको अब किस प्रकार आगे काम करना है। अब आपके पास में पेंशनर ID जो लिखा हुआ आएगा वही आपका स्पर्श का PPO नंबर है। अब सर्विस पेंशनर उसके पीछे 01 लगा देते हैं, 12 डिजिट का पेंशनर ID होता है, उसके पीछे 01 लगा देते हैं तो वो 14 डिजिट का आपका स्पर्श का यूजर नेम बन जाएगा, और डिफ़ॉल्ट पासवर्ड आपके मोबाइल पर आ ही चुका है। तो आप स्पर्श की वेबसाइट पे जाएं, स्पर्श का यूजर नेम डालें, पासवर्ड डालें, वहाँ पे IM नोट ए रोबोट के ऊपर क्लिक करें, और सबमिट करते ही आपसे जो आपका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है उसको चेंज करने का ऑप्शन आएगा। तो आप उस पासवर्ड को पुराने वाले को डाल के 2 बार नया पासवर्ड डालो और सबमिट करो, आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। अब आप नए पासवर्ड के साथ और स्पर्श के यूजर नेम के साथ में लॉगिन कर लो। तो आपको मैंने यहाँ पे पूरा स्पर्श का यूजर नेम का और पासवर्ड का यहाँ पे बता दिया। अब इसके बीच में कुछ ऐसा भी आता है कि मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो फिर कैसे यूजर नेम और पासवर्ड आएगा? तो मोबाइल नंबर अपडेट करने का ऑप्शन स्पर्श की वेबसाइट पे अवेलेबल है, वहाँ पे आप जाके मोबाइल नंबर अपडेट भी कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास में आता है पेंशन डाटा वेरिफिकेशन, जिसे PDV कहते हैं। स्पर्श आपको ये अधिकार देता है कि जब आपका स्पर्श में माइग्रेशन हो गया हो तो आपको यूजर नेम और पासवर्ड के साथ, जब इनिशियल पासवर्ड आता है आपका लॉगिन करते हो, चेंज करने के बाद आप जब लॉगिन करोगे तो वहाँ पे आपको पेंशन डाटा वेरिफिकेशन का ऑप्शन नज़र आएगा। तो उसमें लिखा रहेगा कि जो भी आपको अभी डाटा दिखाई दे रहा है
वो अभी केवल रीड ओनली, यानी आप उनको पढ़ सकते हो। यदि उसमें कोई गलतियां हैं तो आप उसको बदल नहीं सकते। तो आपको आपको पढ़ते रहना है उनमें, जितना भी आपका पेंशन डाटा वेरिफिकेशन के समय जो आपका पेंशन डाटा फीड किया गया है रिकॉर्ड ऑफिस एंड पीसीडी द्वारा, उसको देखते रहना है। उसके अंदर कोई गलती है तो उसको साइड में नोट करते रहना है, और आपको नेक्स्ट 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 करते हुए आधार ई साइन करते हुए आपको सबमिट कर देना है। अब सबमिट करने के बाद जब फाइनल आपकी सभी डिक्लेरेशन सबमिट हो जाती है, उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि ना प्रोफाइल नज़र आता है ना मैनेज प्रोफाइल नज़र आता है। तो आपको क्या करना है, एक बार उसी समय आपको लॉग आउट कर देना है। आप इस पर से लॉग आउट हो जाओगे तो दोबारा से फिर आपको अपना इस पर का यूजर नेम और पासवर्ड के साथ में लॉगिन जब करोगे तो आपको पूरे मेनू जो है वो क्लियरली दिखाई देंगे। तो यहाँ पे पेंशन डाटा वेरिफिकेशन आपका कंप्लीट हो गया। अब अगला पांचवा काम रहता है आपका मैनेज प्रोफाइल, यानी आपने पेंशन डाटा वेरिफिकेशन के समय पर आपके पेंशन डाटा में कुछ एक गलतियाँ पकड़ी, उनको आपने नोट करके रखा। कोई नाम गलत हो सकता है, किसी की डेट ऑफ बर्थ गलत हो सकती है, आपका पैन कार्ड नंबर गलत हो सकता है, आपका आधार कार्ड नंबर गलत हो सकता है, या एड्रेस गलत हो सकता है, या आपका ग्रुप, आपका क्लास, आपका MACP, आपका बेसिक पे, कुछ भी उसमें गलत हो सकता है, वो आपने नोट करके रख लिया। अब मैनेज प्रोफाइल के ज़रिए आप अपना डाटा को एडिट और अपडेट कर पाएंगे। कुछ एक डिटेल ऐसी रहती है जो स्ट्रेट थ्रू, यानी जैसे ही आप चेंज करोगे डायरेक्ट स्पर्श के प्रोफाइल में अपडेट हो जाएगी। लेकिन कुछ एक डिटेल ऐसी होती है वो PCDA के पास जाने के बाद वो आपके रिकॉर्ड ऑफिस को वेरिफिकेशन के लिए भेजेंगे। रिकॉर्ड ऑफिस जब आपके सीट रोल से वेरीफाई करेगा, वेरीफाई करने के बाद वो आपके स्पर्श के प्रोफाइल में अपडेट होगी। अच्छा, उसके बाद आ जाता है लाइव सर्टिफिकेट सबमिट करना है। स्पर्श कहता है कि आपकी पेंशन का स्पर्श में माइग्रेशन होने के बाद 2 महीने के अंदर अंदर आपको डिजिटल तरीके से या मैनुअल तरीके से अपना लाइफ सर्टिफिकेट स्पर्श के PPO नंबर के साथ में जमा करना है। अब आप कहोगे कि मैंने तो नवंबर में बैंक में जमा किया था, और साल में एक ही बार जमा करना पड़ता हो तो 2 बार लाइफ सर्टिफिकेट क्यों? तो ये स्पर्श की रिक्वायरमेंट है। हालांकि स्पर्श द्वारा ये कोशिश रहती है कि वो आपकी बैंक से जहाँ पे आपने नवंबर 2021 में आपने लाइव सर्टिफिकेट जमा किया था वहाँ से मंगवाए, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कई डिफेंस पेंशनर की जो लाइव सर्टिफिकेट है, जीवन प्रमाण है, वो स्पर्श के साथ में लिंक नहीं हो पाता। तो आपको सिंपली कॉमन सर्विस सेंटर या आपका स्पर्श का सर्विस सेंटर, या फिर आप घर बैठे अपने मोबाइल से भी लाइव सर्टिफिकेट जमा कर सकते हो, और माइग्रेशन के 2 महीने के अंदर अंदर आपको लाइव सर्टिफिकेट जमा करना है। हालांकि आपकी पेंशन बंद नहीं होगी, 2 महीने से ऊपर भी हो जाते हैं तो आपके पास में मैसेज आएंगे, आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। फिर भी आप बार बार आपको इन्फॉर्म करने के बावजूद आप लाइव सर्टिफिकेट जमा नहीं करते हो तो कई डिफेंस पेंशनर्स की पेंशन बंद चल रही है इसी कारण से कि उनका लाइव सर्टिफिकेट जमा नहीं हो पा रहा है। अब ये सब चीज़ें करने के बाद आपका जब आप PDV कर लेंगे तो पेंशन डाटा वेरिफिकेशन करने के 15 से 20 दिन के बाद आपका जो PPO, पेंशन स्लिप, PDV डिक्लेरेशन, पेंशन इंटाइटलमेंट, और यदि एक फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो चुका है तो फॉर्म 16 भी वहाँ पे आपको दिखाई देगा। अब साथियों आता है स्पर्श यूजर हैंडबुक। स्पर्श ने हालांकि आपके लिए कोई स्पर्श यूजर हैंडबुक नहीं बनाई है, लेकिन आपके अपने सैनिक समाचार इंडिया द्वारा स्पर्श यूजर हैंडबुक बना ली गई है। इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो पब्लिश करके सबको अवेयर कर भी दिया गया है, और कई डिफेंस पेंशनर्स के पास में ये यूजर हैंडबुक पहुंच चुकी है। उसमें आपको सिंप्लीफाइड सिर्फ और सिर्फ 5 स्टेप दिए हुए हैं, और उन 5 स्टेप यानी स्टेप बाई स्टेप आपको कब और क्या और कैसे करना है वो पूरा उसमें बताया हुआ है लाइव डेमो के साथ। ये एक PDF फॉर्म में हैंडबुक है जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। आप बिल्कुल सही देख रहे हैं साथियों, यही वो स्पर्श की हैंडबुक है जिसमें पूरे स्पर्श को 5 स्टेप में कवर किया गया है।
पहला स्टेप है आपका माइग्रेशन का। माइग्रेशन होने के बाद आपको क्या करना है, आपको माइग्रेशन की स्थिति कैसे चेक करना है, सामने लिंक फॉर लाइव डेमो टू परफॉर्म द स्टेप ऑब्लिक एक्शन, आप इनके ऊपर क्लिक करके और आप सभी बातें यहाँ पे जान पाएंगे कि स्टेप बाय स्टेप आपको माइग्रेशन की स्टेटस कैसे चेक करना है और माइग्रेशन होने के बाद आपको कितने दिन इंतज़ार करना है और क्या क्या काम करना है। आपको यहाँ पे क्लिक मी के ऊपर क्लिक करके डायरेक्टली आप स्पर्श की वेबसाइट में जा सकते हो। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे ओपन पे क्लिक करता हूँ तो आपके सामने स्पर्श की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये स्पर्श की वेबसाइट ओपन हो चुकी है। तो इस प्रकार साथियों आप एक फ्रॉड लिंक से भी बच सकते हो क्योंकि इसमें आपको डायरेक्ट स्पर्श की वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है। अब स्पर्श के नाम पर कई वेबसाइट ओपन हो चुकी है जिसमें पेंशनर द्वारा अपना डाटा एंटर किया जाता है तो वो डाटा सीधा हैकर्स के पास चला जाता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए भी आप इस लिंक को यहाँ पर यूज कर सकते हो। दूसरा स्टेप रहेगा स्पर्श का जो आपका अकाउंट क्रिएशन एंड रिसिप्ट ऑफ यूजर नेम एंड पासवर्ड, इससे पहले मैंने आपको डिटेल में बता दिया है और उसी के जो कंप्लीट स्टेप यहाँ पे दिए हुए हैं, यहाँ पे लिंक करके आप लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो को भी देख पाएंगे। नेक्स्ट आता है तीसरा स्टेप पेंशन डाटा वेरिफिकेशन, जिसके बारे में कम्प्लीटली मैंने अभी आपको समझा दिया है। PDV कैसे करना है तो आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करके और PDV का जो लाइव डेमो का वीडियो को ओपन कर सकते हो। देखिए आपके सामने PDV का एक नहीं, इसमें कई वीडियो है जो कि आप ओपन कर सकते हो। अगला आपका फोर्थ स्टेप आएगा साथियों, यहाँ पे पांचवा जो फोर्थ स्टेप है वो है आपका स्पर्श PPO जनरेशन एंड क्रेडिट ऑफ स्पर्श पेंशन। और जो पांचवा स्टेप और फाइनल स्टेप होगा वो होगा सबमिशन ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट ऑब्लिक परफॉर्म एनुअल आइडेंटिफिकेशन। स्पर्श में इसको लाइफ सर्टिफिकेट को एनुअल आइडेंटिफिकेशन नाम दिया है और इसका जो लाइव डेमो है आप यहाँ सामने पूरी प्लेलिस्ट देख पाएंगे कि आपको कितने तरीके से लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने का ऑप्शन मिलेगा और किन किन तरीक़ों से आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। तो जो आपको सूटेबल और बेस्ट लगता है उसके ज़रिए आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने साथियों स्पर्श की हैंडबुक के बारे में बताया, आप एक बार इसको ज़रूर डाउनलोड करें, अपने मोबाइल में रखें और जब भी आपको स्पर्श में स्टेप बाय स्टेप देखने की ज़रूरत पड़े आप इसको रेफ़र करें और अपना जो स्टेप जो भी स्टेप की रिक्वायरमेंट होती है उसको सही तरीके से कम्प्लीट करें। स्पर्श की यूजर हैंडबुक के बारे में मैंने आपको बता दिया, अब आप कहोगे कि ये बुक मिलेगी कैसे, तो इसके मैं आपको पूरे तरीके बता देता हूँ। सबसे पहला तरीका, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सबसे नीचे स्पर्श यूजर हैंडबुक का PDF लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करोगे ये आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी। सबसे ईजीएस्ट और सिंपलेस्ट तरीका। अब दूसरा तरीका, आप डिस्क्रिप्शन में ही अवेलेबल व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप जो भी आपको बेस्ट लगता है उसको ज्वाइन करके वहाँ पे भी आप स्पर्श का डायरेक्ट PDF प्राप्त कर सकते हो। तीसरा तरीका, यदि फिर भी आपको स्पर्श हैंडबुक नहीं मिल पाती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, आपको स्पर्श के PDF का लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब साथियों आते हैं काम की बात। स्पर्श में काम करते करते यदि आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि आपको स्पर्श यानी PCDA में बात करनी है तो PCDA का जो स्पर्श टोल फ्री नंबर है वो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, आप नोट कर लें 1800 1805325। हालांकि वहाँ पे जो स्पर्श की हेल्पलाइन पर एग्जीक्यूटिव बैठे हैं उनके पास पूरा नॉलेज नहीं होगा, आप उनकी बातों से सेटिस्फाई हो भी सकते हैं और सेटिस्फाई नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपका जो पेंशन डाटा है वो ज़रूर वहाँ पे दिखाई देता है। अब आप उनसे पूछोगे कि ये चीज़ कैसे करना है तो ये चीज़ वो नहीं बता पाएंगे।
तो यहाँ पे आप कुछ एक जानकारी प्राप्त कर सकते हो। अब आपको स्पर्श के साथ काम करते हुए कोई इस प्रकार की टेक्निकल समस्या आती है कि आप स्पर्श में लॉगिन करने के बाद आप कोई स्टेप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसके बारे में इस दिए गए ईमेल आईडी के ऊपर अपनी कंप्लीट समस्या से स्पर्श की टेक्निकल टीम को अवगत करवा सकते हो। ईमेल आईडी नोट कर लें, हेल्प डेस्क के बाद में डैश लगाना है, छोटी लाइन, फिर स्पर्श, फिर एट द रेट डिफेंस पेंशन डॉट जीओवी डॉट इन। ईमेल आईडी के बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता है और इसमें भी नहीं है। हेल्प डेस्क डैश स्पर्श एट द रेट डिफेंस पेंशन डॉट जीओवी डॉट इन, इस ईमेल आईडी के ऊपर आप मेल कर सकते हो। तो साथियों, यहाँ पे मैंने पूरे स्पर्श की स्ट्रक्चर को आपके माइग्रेशन से लेके और लास्ट तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने तक, और उसके बाद भी आपको किसी प्रकार की समस्या आती है तो उसका निवारण किस प्रकार करवाना है, मैंने आपको समझाया। आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इसके अलावा भी आपको कुछ पूछना है, कोई डाउट है जो कि मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया है, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर छोड़ें। मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसका जवाब दूं और सही और सटीक जवाब दूं, ताकि इस माइग्रेशन के दौर में आपको ज़्यादा परेशानियों का सामना ना करना पड़े। आप विश्वास रखिए, सैनिक समाचार इंडिया चैनल हमारे डिफेंस चैनल में एकमात्र ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको इस पर से संबंधित सभी जानकारियाँ लाइव डेमो के साथ में मिलती है। आप एक बार चैनल को जरूर विजिट करिए, वहाँ पे आपको हर प्रकार की प्लेलिस्ट मिलेगी। आप जो चाहिए, जिस प्लेलिस्ट की, जिस वीडियो की आपको रिक्वायरमेंट है, वो आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट लाइव डेमो के साथ में मिलेगा। एक तरफ आप वीडियो चलाइए, दूसरी तरफ आप स्पर्श के साथ में काम करिए। और इससे भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपके पास स्पर्श की हैंडबुक है ही, जो आपके मोबाइल में अवेलेबल है। आप मोबाइल में ही ओपन करिए, वहाँ पे पढ़िए कि पहला स्टेप कैसे करना है, दूसरा स्टेप कैसे करना है, तीसरा, चौथा, पांचवा स्टेप कैसे करना है। पढ़ने में भी समझ में नहीं आता है तो सामने वीडियो लिंक के ऊपर क्लिक करिए और देखिए। सिंपल है साथियों, ज़्यादा घबराना नहीं है, स्पर्श को देखिए, कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ एक वेबसाइट है जिसमें आपको यूजर नेम पासवर्ड मिलता है। आप लॉगिन करते हो, आपको सब कुछ आपका पेंशन डाटा सामने दिखाई देता है। और स्पर्श के ऊपर बाहर सोशल मीडिया में या कहीं और से आपके पास में जो हैकर्स का फिशिंग बोलते हैं, कहीं से भी कोई लिंक आता है, टेक्स्ट मैसेज आता है, कॉल आता है, ना तो उसका आप जवाब दें और ना ही उस लिंक को ओपन करें। इस समय सबको पता है, क्योंकि कमाकर खाना कोई नहीं चाहता है, सबको सीधा धन चाहिए और वो टारगेट बनाएंगे डिफेंस पेंशनर्स को। उनको पता चल रहा है, जो हैकर्स बैठे हैं उनको ये पता चल चुका है कि बहुत बड़ा माइग्रेशन डिफेंस पेंशनर्स की पेंशन का बैंकों से स्पर्श में हो रहा है, और इस समय डिफेंस पेंशनर्स बहुत परेशान है। तो आपको वो कॉल करेंगे, आप परेशानी में उनको अपनी जानकारी दे देंगे, ओटीपी आएगा, ओटीपी भी दे देंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि स्पर्श से तो पेंशन नहीं आई, लेकिन जो खाते में पेंशन पड़ी है वो खाता खाली हो गया। तो ऐसा कभी भी ना करें। आपको इस प्रकार कोई एसएमएस आता है तो आप 1800180535 पर एक बार बात करके उनसे आप सलाह ले सकते हो कि इस प्रकार का एसएमएस मेरे पास में आया है, इसका क्या जेन्युइननेस है, क्या ये पीसीडीए से आया है या किसी थर्ड पार्टी ने मुझे भेजा है, तो वो आपको बता देंगे कि ये एसएमएस कहां से आया है। तो साथियों, बने रहिए आप सैनिक समाचार इंडिया चैनल के साथ, और इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।